हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंग चांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो मैं आज आपको एक प्रोडक्ट रिव्यू दूंगा, वो भी 4 साल यूज़ करने के बाद। प्रोडक्ट रिव्यू क्या होता है, पहले इस्तेमाल करो, बहुत दिनों तक इस्तेमाल करो, उसके बाद उसका सही है क्या ना सही है, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, या ठीक है कि नहीं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट रिव्यू। और अनबॉक्सिंग क्या होता है, जस्ट उसको खोलकर दिखाओ, ये फीचर है अंदर में, वो वेबसाइट में जाकर भी हम देख सकते हैं। तो ये कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, ये एकदम रियल प्रोडक्ट रिव्यू कहते हैं। और मेरे चैनल या प्लेटफॉर्म में सब कुछ ऐसे ही रिव्यू मैंने किया, एकदम रियल रिव्यू। और आज मैं आपको ये देखिए, प्रीतम है आप को, ये जो प्रीतम जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है, एसेसरीज है, उसका मैं आपको प्रोडक्ट रिव्यू दूंगा। 4 साल मैंने इसको यूज़ किया, इसका अच्छा है क्या खराबी है, मैं इसकी खराबी कहना नहीं चाहता। खराबी मुझे कोई भी अभी तक कोई मैंने कुछ देखा नहीं, हाँ कुछ देखा, वो भी मैं बताऊंगा। तो क्या अच्छा है, मैं सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा रिव्यू में। ये एक्चुअल रिव्यू, ओरिजिनल रिव्यू है, 4 साल यूज़ करने के बाद मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। मैंने ये थोड़ा ये फिर से ये स्विच मैंने ख़रीदा, देखिए ये मैंने स्विच ख़रीदा, और ये इंडिकेटर है, और एक 6 एम्पेयर का ये स्विच है। क्यों मैंने ये फिर से ये प्रीतम कंपनी का यूज़ ये जो प्रोडक्ट है मैंने ख़रीदा, ऑब्वियसली ये अच्छा है, इसलिए देखिए इंडिकेटर है, मैंने ये इंडिकेटर चेंज कर लिया है। और मैंने आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो सारे प्रोडक्ट है ये प्रीतम का कंपनी है, ये MCB है, ये फ्लोरा का है, फ्लोरा का आप MCB खरीदे, बहुत अच्छा है। और ये मैंने इंडिकेटर मैंने चेंज कर लिया, देखिए ये ऑलरेडी चेंज किया हुआ है पहले, इंडिकेटर में थोड़ा सा 4 साल होने के बाद ये ख़राब हो गया, थोड़ा सा ब्लिंकिंग करता है, कॉन्टिन्यू नहीं चलता, ब्लिंकिंग करता है, इसलिए मैं इससे चेंज कर लिया। ये मैंने आपको कह दिया, ये इंडिकेटर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इंडक्शन में मैंने यूज़ करता हूँ, देखिए थोड़ा सा इधर पे फट गया, देखिए थोड़ा सा हाथों से गिरा नहीं, थोड़ा सा फट गया है, थोड़ा सा इसका प्लास्टिक उतना अच्छा नहीं है, देखिए थोड़ा सा इधर में क्रैक हो गया, हाथ से परा नहीं है, ये ऐसे ही कॉन्स्टेंट मैं ऐसे वॉल में फिक्स करके रखता हूँ, जैसे इंडक्शन नहीं यूज़ करता हूँ, 4 साल मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए अभी भी एकदम सही है, स्विच एकदम अच्छा है। और उसका जो सॉकेट है, सॉकेट भी बहुत बढ़िया है, देखिए बहुत ही अच्छा है। धीरे से आपको यूज़ करना पड़ेगा, धीरे से, ऐसे एक्सीडेंटली ऐसे खट करके आया और खट करके किया तो जितना भी महंगा स्विच है ख़राब हो जाएगा, उसका स्प्रिंग होता है, इसलिए थोड़ा सा आराम से आप ये इस्तेमाल करें। ये 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए ये प्रीतम का है। अभी मैं आपको कहूँगा मार्केट में ग्रेट व्हाइट है, एंकर है, सब लोग ग्रेट व्हाइट एंकर हैबल्स को कहते हैं, एंकर ग्रेट व्हाइट, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट होता है वो रोबस्ट वर्क, बहुत ही हैवी वर्क करने के लिए, और देखने में इतना स्टाइलिश और सुंदर नहीं है, जैसे कि ये सब देखने में उतना बड़ा होता है, स्टाइलिश नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट हमेशा मैं लेता हूँ, ये इतना स्टाइलिश नहीं है, जितना स्टाइलिश होगा क्या होगा, स्टाइलिश में स्टाइलिश तो होगा लेकिन वो ज़्यादा चलेगा नहीं, और देखने में ही सुंदर है, और ये देखने में उतना ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन चलेगा। मेरे घर में जितना भी प्रोडक्ट मैंने लगाया, एंकर का लगाया, पुराना एंकर बहुत ही अच्छा था, 10-15 साल 20 साल चल जाता था, अभी तो ग्रेट व्हाइट
थोड़ा सा अच्छा है। कंप्यूटर का भी, कंप्यूटर ब्रांड का भी ये स्विच मैंने यूज़ किया, वो भी अच्छा है। और पेटी का वो भी मैंने यूज़ किया, सब मैंने यूज़ किया, पेटी का भी अच्छा है। और ये किन लोगों के लिए है, देखिए एक ब्रांड होता है पेटी का ब्रांड, और एक ब्रांड होता है कंप्यूटर का ब्रांड, और एक ब्रांड होता है प्रीतम का ब्रांड। जो लोग कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास फैमिली से है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से और गरीब लोग होता है, वो ये सब स्विच यूज़ करिए। दाम भी कम है और अच्छा सर्विस देता है, अच्छा होता है। ये अगर हाथ से गिर जाए, थोड़ा सा इधर में लग जाए, तो ये कोई भी प्लास्टिक फट जाएगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, देखिए ये 16 एम्पेयर का है, 16 एम्पेयर मतलब इसमें हैवी हैवी चीज़, 16 एम्पेयर का मतलब इसमें 3 किलोवाट, 3000 वाट इसमें लोड ले सकता है। 16 एम्पेयर का मतलब होता है 3000 से थोड़ा सा 800 वाट, 600 वाट से ऊपर, 800 वाट, 900 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट, 3000 वाट, 3500 वाट जो लैंप चलता है उसके लिए ये स्विच अच्छा है। जैसे कि गीज़र के लिए है, जो एसी के लिए मैं नहीं कहूँगा, ये एसी के लिए ये स्विच नहीं है, इंडक्शन है, बहुत बड़ा बड़ा जो लैंप होता है, जैसे कि 2000 वाट का लैंप होता है, लाइट वगैरह रहता है, हैलोजन के लिए 2200 का लैंप होता है, उसके लिए ये स्विच अच्छा है। लेकिन ये एयर कंडीशन के लिए ये अच्छा नहीं, वो दूसरा स्विच होता है, वो 18 एम्पेयर और 22 और 20 एम्पेयर का होता है, वो दूसरा टाइप के स्विच होता है। तो ये पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इसमें ये जो हैवी एम्पेयर का 16 एम्पेयर का जो स्विच होता है, उसमें जो ये चाइना मिड